हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में जानने जा रहे हैं जिसका ना तो कोई सिर है और ना ही कोई पैर। ये कहानी है माया मेम साहब की, जो कि एक हाउसवाइफ है और उसकी लाइफ में बस एक ही प्रॉब्लम है कि उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या हुआ? मारता है? कुछ ऐब है? बुरी आदतें हैं? कोई और है? कुछ भी तो नहीं। जिसको देख कर हर कोई बस गिरता पड़ता रहता है। और अगर उससे कोई पूछ ले, अरे पर आपका वक्त कैसे गुजरता है भाई, मानना पड़ेगा वक्त काटने का सबसे सही तरीका तो यही है। तो फिल्म की शुरुआत होती है कुछ डिटेक्टिव से जो माया के गायब हो जाने की तहकीकात कर रहे होते हैं और जा पहुंचते हैं उसके पति के पास, जो उन्हें बताता है कि उसने माया से कैसे शादी के लिए प्रपोज किया। माया, ऐसा है कि जैसा लगता है कि अगर मुझे कोई एतराज ना हो, अगर मेरा मतलब तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हमें कुछ कर लेना चाहिए। उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही थी? लेकिन तभी अचानक माया का क्राइम नॉवल पढ़ के दिमाग सटक जाता है और अपने पति को फोन करके कहती है, और घर का पूरा तहस नहस करके खुद के ऊपर केचप लगा के लेट जाती है इस उम्मीद में कि उसका पति आएगा और बोलेगा, माया माया मेरी जान, ये क्या हो गया? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माया, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता माया, माया। पर असलियत में होता है ये पुलिस, पुलिस, पुलिस। मैं ना कह रही थी बिल्कुल पागल है? ये हो रही थी अपने परफेक्ट लाइफ से बोर और कायनात से शिद्दत से मांग रही थी रोमांस, इसलिए किंग ऑफ रोमांस खुद ही इनके सामने आ प्रकट होते हैं और इन लोग का चालू हो जाता है लफड़ा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लाला जी, जो मेम साहब को साड़ी दिखाते दिखाते हुए ये कहते हैं कि सब मेम साहब मुझसे खुश है, सिर्फ मेरी बीवी को छोड़कर। और एक और कैरेक्टर भरी बाजार में अजीबोगरीब दवाइयां बेच रहा होता है, जिसको सच्चे मन से पी जाने से तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस पॉइंट को याद रखना, यूपीएससी एग्जाम में आ सकता है। देन फिल्म आती है प्रेजेंट डे पर और ये डिटेक्टिव सस्पेक्ट नंबर 2 ठाकुर के घर के अंदर जाके पूछते हैं, ठाकुर रुद्र प्रताप से हम अंदर आ सकते हैं? जिनसे उन्हें पता चलता है कि उनका भी कभी माया के साथ अफेयर चला था और वो कैसे उसके कान के ऊपर जाके घंटी बजा दिया करती थी। और एक तुम लोग जो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाना भूल जाते हो। अब ये डिटेक्टिव सस्पेक्ट नंबर 3 अदनंगे शाहरुख के घर में घुस जाते हैं। भाई इन डिटेक्टिव्स को कोई मैनर्स वैनर्स सिखाओ यार। और हमारे किंग ऑफ रोमांस अपने मजबूरी के टुकड़े सुनाने लगते हैं। सब उसी की मर्जी थी, उसने चाहा। फिल्म प्रेजेंट डे पे आते हैं जिस दिन उसकी सांस चल बसती है और लाला जी उसको एक प्लान बताता है। मुबारक हो मैम साहब, मुबारक हो, काफी पैसे छोड़ कर गई है वो, इसीलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ। वैसे भी डॉक्टर साहब तो सीधे साधे इंसान है। और फिर अपने सास के पैसे हथियाने के लिए अपने पति से वो साइन करवा लेती है और म्यूजिक क्लास का बहाना करके ललित से मिलने चली जाती है। भगवान करे ऐसी बीवी किसी को ना मिले। सुबह बेचारा उसका पति उसको ढूंढने आता है। माया को कहीं देखा है? जी, वो कल घर नहीं आई। और ललित उसको कहता है, मुझे 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 नहीं मालूम। और उसका पति मुंह लटकाते हुए वापस चला जाता है। पर वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हमको पता चलता है कि लाला जी ने उसको धोखा दिया है और मकान के पेपर्स उसके नाक के नीचे से हथिया लिया था। मैं जिंदगी भर आपको उधार देता रहूंगा। उधार चुकाना भी पड़ता है मेम साहब, 1.5 लाख रुपया कोई मामूली रकम नहीं है। माया अपने घर को नीलामी से बचाने के लिए सारे सस्पेक्ट से मदद मांगने जाती है और ये बंदा अपना नाश्ता छोड़ के कहता है, एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से दे। पर माया किसी भी हाथ से उसको नहीं देती। फिर वो ललित से मदद मांगने जाती है। कहीं से भी ले आओ, मैं तुम्हारी जगह होती तो कुछ भी करती, कहीं से भी ले आओ, बस ले आओ। ये ठाकुर से भी मदद मांगने जाती है पर वहाँ भी उसको कोई मदद नहीं मिलती। तो फिर सवाल ये है कि आत्महत्या थी तो क्यों की, और अगर हत्या थी तो किसने की? तो क्या लगता है किसने किया होगा इसका मर्डर, या इसने सच में खुदकुशी कर ली? आखिर में ये बच्चा आके सारे राज खोलता है जो इस केस का चश्मदीद गवाह था। वो जादुई दवाई याद है? माया निराश होकर उसको पी जाती है और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। थी ना अजीब सी फिल्म, कुछ भी हो गया एंडिंग में। कमेंट्स में बताना ये फिल्म आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।